वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन पहला पार्ट है 52 मोल्स ऑफ हीलियम। दूसरा पार्ट है सेम क्वेश्चन का 52 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू ऑफ हीलियम। थर्ड है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, ये तीनों हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखो, पहला है 52 मोल्स ऑफ हीलियम। अब समझना है हीलियम का पार्टिकल क्या होता है। अगर आपके पास एक बलून है, बलून के अंदर बोला हीलियम है, तो हीलियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल में या एटम में? तो ध्यान रखिए, नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, तो इसके अंदर हीलियम का एटम होगा। ठीक है ना, 52 मोल ऑफ हीलियम, तो इसके अंदर 52 मोल ऑफ क्या है, हीलियम एटम या मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर क्या बोले, हीलियम हैज एटॉमिक स्टेट, तो हीलियम एटम। इसके अंदर एटम का नंबर पूछा है। देखो, आपसे 24 बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, 24 नंबर है, तो यहां क्या है, 52 मोल है, तो मतलब 52 इंटू 6.02 इंटू 10^23। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या आप इसको 52 NA भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, मैं 0.02 को इग्नोर कर देता हूं और आएगा मेरा 52 इंटू 6, तो 312 इंटू 10^23 एटम्स। यहाँ अप्रॉक्सीमेशन है, 312 को मैं, ये 0.02 को मैंने इग्नोर किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मोल से तो निकाल लिया, अब इससे निकालना है, 52 यू से निकालना है। ये कैसे सॉल्व होगा, ये था अपना ए का, ये है अपना बी का। देखो, ये क्या है, मास है, अपना मास किसमें दिया है, ग्राम में नहीं दिया है, यू में दिया है, तो हम लोग को एक इंफॉर्मेशन यूज करना होगा, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हैं, बट इसको याद रखना होता है, 4। अब ये 4 क्या है, तो ध्यान से समझिए, अगर मैं 4 ग्राम लिख दूंगा तो मैं बोलूंगा 1 मोल का मास 4 ग्राम है। अगर मैं 4 यू लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 1 एटम का मास 4 यू है। ग्राम लिख दिया तो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम का मास 4 ग्राम, यू लिख दिए तो 1 एटम ऑफ हीलियम का मास 4 यू, तो इन 4 यू 1 atom of helium. So therefore, in 52U by 4U into 1 atom of helium. Simple math सही है। अब divide कर दीजिए, answer आ चुका है, U गया 52 13, 13 atoms. सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी, पार्ट सी में देखो ग्राम में दिया है, तो पार्ट सी किस में दिया, ग्राम में दिया, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्राम वाला एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास हीलियम का क्या लिखेंगे हम, 4 ग्राम। अब इसका मतलब क्या हो गया, इन 4 ग्राम हीलियम 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। अब हीलियम का पार्टिकल पहले बताए, एटम,
1 मोल हीलियम एटम. सो इन 52 ग्राम हाउ मेनी 52/4 मोल विच इज 13 मोल. समझ में आया? बट हमसे आंसर मोल में नहीं पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछा. ये नहीं पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, 13 मोल्स ऑफ एटम है. इसको नंबर में कन्वर्ट करना है. तो मोल को कैसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं? जैसे यहां किए थे 6.02 10 का पावर 23, 13 इंटू 6.02 10 का पावर 23. इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. चले मैं ही कर देता हूँ इसको. तो एक तो क्या लिख सकते हैं, एनए लिख सकते हैं, 13 एनए लिख सकते हैं इसको, या फिर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 13 इंटू 6, तो 6 इंटू 10 60 और 18 78, अप्रॉक्सीमेटली 78 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स. तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, थैंक यू.